रानीगंज शहर के श्री श्री सीताराम जी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हो गया। आखिरी दिन कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालु कथा सुनने के लिए मंदिर में पहुंचे। कथावाचिका राधा किशोरी जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ गत 23 मार्च को हुआ था और 30 मार्च को हवन एवं भंडारे के साथ इसका समापन हुआ। रानीगंज शहर के सिया रोड स्थित श्री श्री सीताराम जी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हो गया। आखिरी दिन कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। काफी संख्या में पुरुष एवं महिला श्रद्धालु कथा सुनने के लिए मंदिर में पहुंचे। कथावाचिका राधा किशोरी जी ने आखिरी दिन उद्धव ज्ञान, 24 गुरुओं की कथा, राजा परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति से संबंधित कथा का वाचन किया। इसके साथ ही यहां पूरे विधि विधान के साथ व्यासपीठ पूजा की गई। तमाम श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए और बांके बिहारी लाल की जय जयकार से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। यहां भक्ति गीतों पर कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। वहीं मधुर भजनों की धुन पर श्रद्धालु भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। कथावाचिका राधा किशोरी जी ने अपनी संस्कृति को बचाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि यहां 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है, इसलिए यहां जिन श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया है वे अब मंदिर आना भूल न जाएं। उन्हें हर रोज मंदिर में आने का नियम बना लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को संस्कार यहीं से मिलते हैं। अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति को बचा कर रखो और आज से नियम बना लेना कि 7 दिन के बाद में पूरी हो रही है। आज तो मंदिर में आए हो परंतु कल से मंदिर को पूर्ण मत जाना भैया। कल से आपको प्रतिदिन का नियम बनाना है, चाहे 2 मिनट ही आए पर मंदिर जरूर आना है। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलते हैं, इसे तो मिलते शॉपिंग मॉल मूवी अगर इतनी सारी जमीन को घेर कर बैठा मुझे चौकीदार बना के बिठाया। पर इस चौकीदारी को, इस नौकरी को करने का भी कुछ आनंद ही अलग है। कितने भक्तों को सत्संग में मैंने अपनी कथा के माध्यम से प्रभु कृपा से जोड़ा है। मुझे प्रभु ने ये मौका दिया है, शरीर को मौका दिया, इस नौकरी का आनंद भी अलग है हमारा। क्योंकि कहते हैं चाहे इतने भक्त प्रभु नाम लेते तो उसका कुछ ना कुछ श्रेय तो मुझे भी मिलता होगा, ये प्रभु कृपा है। सबसे अच्छी और सबसे खरी ओ राधा रानी तेरी नौकरी। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ गत 23 मार्च को हुआ था। गुरुवार को हवन एवं भंडारे के साथ इसका समापन हुआ। हवन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बाद में प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान विमल बाजोरिया एवं उनका परिवार था। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री श्री सीताराम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल बाजोरिया, सचिव प्रदीप सराया, कोषाध्यक्ष ललित झुनझुनवाला, कार्यक्रम संयोजक विकास सतनालिका, रमेश मारोदिया, विजय छावछरिया, हरि सोमानी, अभिषेक बगड़िया समेत अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। रानीगंज से विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।